गोरखनाथ मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने गुरु गोरखनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश के लोक कल्याण व सुख समृद्धि की कामना। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का किया औचक निरीक्षण। कहा, श्रद्धालुओं को होगा बदलते उत्तर प्रदेश का एहसास। खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, सहूलियत शासन की है पहली प्राथमिकता। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन पर्याप्त रैन बसेरों का करे इंतजाम। ठंड से किसी भी श्रद्धालु को ना हो परेशानी। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने कमिश्नरी सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरों व अलाव के हो पर्याप्त इंतजाम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए भी किया जाए जागरूक। तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में एसडीएम चौरीचौरा शिवम सिंह व एएसपी सीओ चौरीचौरा मानुष पारिक ने किया पैदल गश्त। सिंह भोजनालय में लोगों को खुले में शराब पिलाने पर प्रतिष्ठान को किया सील। शराब की दुकानों का किया चेक लाइसेंस। गुरुवार से आयुक्त न्यायालय में सीसीटीवी की निगरानी में शुरू होगा गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन। जिला प्रशासन के द्वारा कमिश्नरी गेट से आयुक्त न्यायालय तक किया गया है बैरिकेडिंग। अपर आयुक्त प्रशासन ने दी जानकारी। मकर संक्रांति से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मेले की तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बांस बल्ली से किया जा रहा है बैरिकेटिंग। गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा, हर वर्ग और हर जाति के लोग मंदिर में आकर करते हैं गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन और गुरु गोरखनाथ उनकी पूर्ण करते हैं मनोकामना। नगर निगम द्वारा नागरिकों को ठंड से बचाव के लिए महानगर के 140 चौराहों पर जलाया जा रहा है अलाव। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। जरूरतमंदों को ठहरने के लिए की गई है व्यापक रैन बसेरों की व्यवस्था। नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय चौहान ने दी जानकारी। नए साल के पांचवें दिन भी ठंड का सितम है जारी। बुधवार को अधिकतम टेम्परेचर 13.6 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम टेम्परेचर रहा 7 डिग्री सेल्सियस। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि पछुआ हवाओं की वजह से बढ़ी गलन। आगामी 7 जनवरी तक शीतलहर और ठिठुरन की बनी रहेगी स्थिति।